डीम्ड प्रिफरेंस शेयर्स, तो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं डीम्ड प्रिफरेंस शेयर्स की, है ना। डीम्ड प्रिफरेंस शेयर्स काइंड ऑफ शेयर्स जो हमने पढ़ा सेक्शन 43, डीम्ड प्रिफरेंस शेयर्स भी सेक्शन 43 में ही दिया है। सेक्शन 43 का जो एक्सप्लेनेशन 3 है, वो डीम्ड प्रिफरेंस शेयर्स के बारे में बताता है। डीम्ड प्रिफरेंस शेयर्स पढ़ने से पहले आपको प्रिफरेंस शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना पड़ेगी कि प्रिफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं। जब तक आप पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये क्या कैरेक्टर होता है प्रेफरेंस शेयर्स का, जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे आपको डीम्ड प्रेफरेंस शेयर समझ में नहीं आएगा। तो डीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ने के लिए पहले हम पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद डीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स बहुत इजी हो जाएगा एंड इमीडिएटली हम उसे भी पढ़ लेंगे। चले देखें क्या बोला है, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेट करना मतलब क्या होता है, शेयर लेना, टू पार्ट, किसी चीज में अपना हिस्सा लेना। पार्टिसिपेट करना मतलब क्या होता है कि किसी चीज में अपना हिस्सा लेना, किसी फंड में अपना हिस्सा लेना, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर्स को हर साल फिक्स रेट से हम क्या पे करते हैं, डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स को हर साल हम क्या करते हैं, फिक्स रेट से डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है, तो हमने बोला था इक्विटी को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोला ईयर है 2021 है, इसमें कंपनी के पास 1 करोड़ का प्रॉफिट है। 2021 में कंपनी के पास कितने का प्रॉफिट है, 1 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। एंड कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 करोड़ की, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स है 1 करोड़ रुपए के। हमारे पास टोटल 6 करोड़ की पेडअप कैपिटल है, कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी 5 करोड़, कंसिस्टिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 करोड़, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। ये 10% क्या बताता है, रेट ऑफ डिविडेंड। ये 10% क्या बताता है बेटा, रेट ऑफ डिविडेंड। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया ही था, है ना। तो हमारी टोटल कैपिटल हो गई 6 करोड़, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 5 करोड़ के इक्विटी है, 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। एंड 21 में हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है। अब इसमें से हमें क्या बांटना है, डिविडेंड। तो हमने पढ़ा था पहले डिविडेंड हमेशा किसको देते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। एक फिक्स रेट का, एक फिक्स अमाउंट का डिविडेंड किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। वो रेट उनके नाम के साथ ही नॉर्मली लगी होती है, इश्यू करने के टर्म्स एंड कंडीशन में ही होती है। तो ये लिखा 10% प्रेफरेंस शेयर्स 1 करोड़ के ऊपर, तो 1 करोड़ का 10% हमें क्या पे करना है, डिविडेंड। तो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10 लाख का डिविडेंड देना है, वो भी इक्विटी को डिविडेंड देने से पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है 5 करोड़, सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पर 15% डिविडेंड देना चाहते हैं, तो 5 करोड़ का 15%, तो बोले 75 लाख रुपए इनको डिविडेंड देना अपने को, ठीक है। अब जो 1 करोड़ का प्रॉफिट है, जो हमारा 1 करोड़ का प्रॉफिट है, उसमें सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देंगे अपन। कितना दिया, 10 लाख, कितना बच गया, 90 लाख। कोई डाउट इसके अंदर, हमारा 1 करोड़ का प्रॉफिट था, 10% डिविडेंड हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना था, हमने 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, 90 लाख। इस 90 लाख में से बोर्ड ने डिसाइड किया कि 75 लाख किसको देना है, 15% किसको देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, तो हमने 15% इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया, तो 90 में से 15 दे दिया, कितना बचा, 15 लाख। ये 15 लाख क्या है, सरप्लस है, आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये 15 लाख क्या है, सरप्लस है। इस 15 लाख का क्या होगा, इस 15 लाख पर किसका राइट है, क्या केवल इक्विटी का राइट है, क्या केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट है, क्या केवल दोनों का राइट है,
ठीक है, तो हमें हमें ये देखना है कि जो सरप्लस बचा है, सरप्लस के साथ समझ में आया ना कि जो हमारा नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट सारे खर्चे वगैरह माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आया, जिसमें से अब हमें फाइनली डिविडेंड पे करना है, तो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड देना है, ये तो हम देख चुके हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड 10 लाख है, फिर 75 लाख हमने इक्विटी का डिविडेंड, वो कैसे आया, सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 15% की रेट से रिकमेंड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, है ना। अब ये 90 में से 75 माइनस करें, हमारे पास जो 15 लाख बचे हैं, ये 15 लाख हमारे पास क्या है, सरप्लस। ठीक है, अब अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेटिंग है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसे हैं, पार्टिसिपेटिंग है, तो ये इस सरप्लस अमाउंट में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेटिंग है, तो पार्टिसिपेट करना मतलब क्या बोला था मैंने, शेयर लेना, हिस्सा लेना, पार्ट करना। तो ये जो सरप्लस अमाउंट बचा है, कब बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट करने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट करने के बाद जो सरप्लस बचा है, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी पार्टिसिपेट करेंगे। क्या मतलब हुआ, यह सरप्लस केवल इक्विटी का नहीं है, यह इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों का है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अकेले इक्विटी से क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर यही प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसे होते, नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, इसका मतलब क्या कि आपको केवल आपका ये जो फिक्स डिविडेंड है, हर साल जो आपको फिक्स रेट से डिविडेंड देना है, वो डिविडेंड हम आपको पे करेंगे, हर साल जो आपको फिक्स रेट से डिविडेंड देना है वो डिविडेंड हम आपको पे करेंगे, उसके बाद इक्विटी को डिविडेंड देंगे, उसके बाद जो सरप्लस बचता है ये पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर का ही है। इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर हिस्सा, शेयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसे हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसे हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग है। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब आपका जो स्टार्टिंग में फिक्स हो गया था ना कि इस रेट से आपको डिविडेंड पे करेंगे, उतना लो बाकी छोड़ दो, किसके लिए, पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, ये चीज आई समझ में। एंड नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर कैसे होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग ही होते हैं, उन्हें केवल उनका फिक्स रेट का डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद जितना बचता है, उसके बाद जितना बचता है वो सब किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का। भले आप इक्विटी को 75 लाख ऑलरेडी डिविडेंड दे चुके हो, उसके बाद आपके पास सरप्लस बच रहा है, बट ये सरप्लस पूरा किसको बिलोंग करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। आपको समझ में आई मेरी बात, दो चीजें, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग है तो अपना फिक्स रेट का डिविडेंड तो लेकर जाएंगे ही, फिर आप इक्विटी को भी डिविडेंड दे दो प्री डिसाइडेड रेट से जो बोर्ड ने डिसाइड किया है, उसके बाद जो सरप्लस बचेगा वो दोनों का रहेगा। अब बोले किस प्रोपोर्शन में, तो नॉर्मली कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 करोड़ की, प्रेफरेंस है 1 करोड़ का, तो ये जो कितना बचा है, 15 लाख बचा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5:1 के रेशो में, या और कोई भी रेशो या कंडीशंस डिसाइड की जा सकती है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब इश्यू किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसमें क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि ये पार्टिसिपेटिंग है। अगर ये पार्टिसिपेटिंग है तो क्लियरली मेंशन रहेगा कि इनको डिविडेंड देंगे, उसके बाद इक्विटी को देंगे, इक्विटी को देने के बाद जो बचेगा वो हम किस रेशियो में बांटेंगे, उसका क्या करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। बट अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं, उसमें पार्टिसिपेटिंग वर्ड नहीं दिया है, तो वो क्या माना जाएगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग। और अगर वो क्या माना जाएगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो भाई तू तेरा केवल फिक्स रेट का जो डिविडेंड था ना, फिक्स हुआ था ना, ये ले ले, बाकी ऑनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर, पूरा पैसा किसका है, इक्विटी का, ये पूरा 90 लाख किसका, इक्विटी का। अब चाहे इक्विटी पूरा 90 लाख डिविडेंड के रूप में ले ले, चाहे डिविडेंड ना भी बांटे, तो भी कभी भी वो इस अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस अमाउंट के ऊपर इक्विटी का ही राइट समझेंगे। ये चिड़ाई समझ में। इसी तरह से वाइंडिंग अप में भी होता है, वाइंडिंग अप का अपन एग्जांपल देखते हैं।
से जब कंपनी का क्या होता है वाइंडिंग अप, जब कंपनी का क्या होता है वाइंडिंग अप, तो वाइंडिंग अप में हम क्या करते हैं सारी असेट्स को सेल कर देंगे, वाइंडिंग अप में सारी असेट्स को सेल करेंगे और लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। लाइबिलिटी दो तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब शेयर होल्डर के अलावा जितना हमारा पेमेंट होता है वो हम कर देते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है दैट इज अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। तो सपोज हमने हमारी सारी असेट्स बेची, एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया और अब हमारे पास 7 करोड़ रुपए बच रहा है शेयर होल्डर को पे करने के लिए। ठीक है, सारी असेट्स बेची, बाहर की जितनी लाइबिलिटी थी सबका पेमेंट कर दिया, अब हमारे पास कितना बच रहा है 7 करोड़ बच रहा है शेयर होल्डर का पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, हमने पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो राइट होता है, एक तो उन्हें डिविडेंड भी पहले मिलता है और वाइंडिंग अप में कैपिटल भी पहले मिलती है, किसके पहले इक्विटी शेयर होल्डर के पहले, यही पढ़ा था ना हमने। तो अब क्या होगा कि ये 7 करोड़ इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के पेमेंट के लिए बचा हुआ है, तो पहला फुल पेमेंट किसको कर दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो 7 में से हमने बोला हमारी वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 करोड़ थी, तो ये हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया। तो 7 करोड़ में से 1 करोड़ का पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चला गया, अब हमारे पास 6 करोड़ रुपीस बचा है। ठीक है, अब हम इक्विटी का पेमेंट कर देंगे, इक्विटी का पेमेंट कितना 5 करोड़ का, हमने 5 करोड़ पे कर दिया, अब हमारे पास फिर भी सरप्लस कितना बच गया 1 करोड़। वाइंडिंग अप में भी हमारे पास सरप्लस बच गया कितना 1 करोड़, हमने सारी असेट्स बेचकर बाहर की लाइबिलिटी का पेमेंट किया, हमारे पास 7 करोड़ बचे शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर का पेमेंट सबसे एंड में होता है, शेयर होल्डर दो तरह के हो गए, इक्विटी प्रेफरेंस। प्रेफरेंस की डेफिनेशन में लिखा ही है कि पहला पेमेंट उन्हें करते हैं, तो पहले हमने प्रेफरेंस को पेमेंट किया उसके बाद इक्विटी को कर दिया। देयर आफ्टर हमारे पास 1 करोड़ अभी भी बचा है, ये 1 करोड़ किसको दे दें, पूरा इक्विटी को दे दें, पूरा प्रेफरेंस को दे दें, दोनों को दें, क्या करें, डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपके पार्टिसिपेटिंग है या नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगेन डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस शेयर्स आपके पार्टिसिपेटिंग है या कैसे हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगर प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स कैसे हैं पार्टिसिपेटिंग है, तो क्या बोला है कि भाई अमाउंट जो शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल था उसमें से आप पहले प्रेफरेंस की कैपिटल पूरी दे दो, फिर इक्विटी की कैपिटल पूरी दे दो, फिर जो आपको सरप्लस बच रहा है ना वो सरप्लस क्या किया जाएगा, पार्टिसिपेट किया जाएगा, किसके द्वारा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो ये 1 करोड़ का जो सरप्लस है ये इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों का है, ये केवल इक्विटी नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स कैसे हैं पार्टिसिपेटिंग है। कैसे बांटेंगे इस 1 करोड़ को, हम बोल सकते हैं कैपिटल के रेशो में 5:1 के रेशो में, क्योंकि 5 करोड़ की कैपिटल इक्विटी की है, 1 करोड़ की प्रेफरेंस की, तो 5:1 के रेशो में बांट दें, या जैसा भी इनके इश्यू के टाइम डिसाइड हुआ था उस रेशो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये चीजें समझ में। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स कैसा है नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो भाई तू तेरी कैपिटल जितनी तेने लगाई थी वो ले ले, उसके बाद जितना पैसा है जैसे 6 करोड़ बचा तो उसमें से 5 करोड़ इक्विटी का और बचा हुआ 1 करोड़ पूरा सरप्लस किसका कहलाएगा, इक्विटी का। अगर प्रेफरेंस शेयर्स कैसे हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग है, तो पार्टिसिपेट का मतलब ये बताया था हमने कि किसी फंड में क्या लेना, हिस्सा लेना, शेयर लेना। तो अगर आप पार्टिसिपेटिंग हो तो आपको आपका शेयर मिलेगा, अगर आप नॉन पार्टिसिपेटिंग हो आपको आपका शेयर जितना फिक्स था वो मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला नहीं है, है ना। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग है तो वाइंडिंग अप में सारी असेट्स बेचकर बाहर की लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद जो शेयर होल्डर का पैसा बचा है वो पहले प्रेफरेंस को पूरा देंगे, फिर इक्विटी को पूरा देंगे, और फिर भी अगर कुछ बच गया तो वो बचा अमाउंट पार्टिसिपेट किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के द्वारा, अगर वो पार्टिसिपेटिंग है तो। ठीक है, लेकिन अगर वो कैसे है नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो वो पूरा पैसा किसका हो जाएगा, इक्विटी का। कम हो ज्यादा हो सकता है 6 करोड़ की जगह 16 करोड़ बचे, पूरा 16 करोड़ इक्विटी शेयर होल्डर का, भले उनकी कैपिटल कितनी है 5 करोड़, हो सकता है 4 करोड़ ही बचे, तो 1 करोड़ लॉस किसके माथे, इक्विटी के माथे। क्यों, वो ट्रू ऑनर है, एक्चुअल ऑनर वही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है। ये चीज आई समझ में। तो ये फंड
इक्विटी का होता है अगर प्रेफरेंस शेयर कैसे हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मली नॉन पार्टिसिपेटिंग ही होते हैं जब तक कि उनकी इश्यू की टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली मेंशन ना हो कि वो कैसे हैं पार्टिसिपेटिंग हैं। ये चीज आई समझ में अपने को? तो डिविडेंड में भी जो सरप्लस बचता है दोनों को देने के बाद एंड वाइंडिंग अप में कैपिटल में जो सरप्लस बचता है दोनों को देने के बाद वो पार्टिसिपेट किया जाएगा प्रेफरेंस के द्वारा। अगर वो पार्टिसिपेटिंग है तो नहीं किया जाएगा, पूरा का पूरा इक्विटी का होगा। अगर वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो अब ये दो चीज हम ध्यान में रखकर डीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ते हैं। ये दोनों चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो डीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स हार्डली हाफ एन मिनट में आप खत्म कर दोगे। अब हम आ जाते हैं डीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स फाइनली समझने के लिए। हमने पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग पढ़ लिया है ना, एंड हमेशा ध्यान रखना है प्रेफरेंस शेयर्स कैसे होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, नॉर्मली नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। ठीक, अब क्या बोला हमने कि डीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स की जो डेफिनेशन 43 के एक्सप्लेनेशन 3 में दी है वो क्या बोलता है कि कोई भी कैपिटल होना वो क्या मानी जाएगी, तो बोले वो डीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ही माने जाएंगे। कैपिटल जो है वो डीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स मानी जाएगी नॉट विथ स्टैंडिंग दैट कैपिटल इज एंटाइटल टू ईदर और बोथ ऑफ द राइट। क्या मतलब हुआ? बोले भले ही किसी कैपिटल को इन दो राइट में से कोई एक या दोनों राइट अवेलेबल हो, पहले ही किसी कैपिटल को इन दो राइट में से दोनों है ना बोथ या उनमें से कोई एक राइट अवेलेबल हो तो भी वो कैपिटल क्या मानी जाएगी डीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब वो क्या नहीं मानी जाएगी, इक्विटी नहीं मानी जाएगी। अब क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो बोल रहा नॉर्मली ये राइट इक्विटी का होता है, नॉर्मली ये राइट किसका होता है इक्विटी का, बट जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेटिंग वाले राइट देते हैं तो ये राइट उनको दे देते हैं, जबकि नॉर्मली राइट किसके हैं इक्विटी के। तो क्या इनको इक्विटी मान ले? बोले नहीं, इनको इक्विटी नहीं मानना है, इनको मानना प्रेफरेंस ही है। भले इनकी हरकतें थोड़ी बहुत किसकी जैसी है, इक्विटी जैसी, बट फिर भी इन्हें प्रेफरेंस ही माना जाएगा। बोले कौन से दो राइट? बोले दो राइट देख लेते हैं। तो वो पहला हमने जो पार्टिसिपेटिंग में पढ़ा था डिविडेंड वाला है ना, तो हमने पढ़ा था कि सेक्शन 43 का एक्सप्लेनेशन 2 और क्लॉज ए जो है वो ये बोलता है कि आपको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उन्हें एक फिक्स रेट का डिविडेंड मिल जाएगा हर साल। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर की बेसिक डेफिनेशन यही है कि हम उन्हें हर साल फिक्स रेट का फिक्स अमाउंट का डिविडेंड देंगे, बट जो फिक्स रेट का डिविडेंड हम दे रहे हैं उससे एडिशनली इन एडिशन टू व्हाट दे आर एंटाइटल्ड अंडर सेक्शन 43 एक्सप्लेनेशन सेकंड ए। वापस से क्या बोला है कि जो नॉर्मल उनका फिक्स रेट का डिविडेंड होता है ना बेटा वो तो हम उनको दे ही रहे हैं, उनके अलावा एडिशनली उन्हें राइट है पार्टिसिपेट करने का। जो नॉर्मल उनका डिविडेंड था उसके अलावा उन्हें राइट है पार्टिसिपेट करने का उस कैपिटल में जो नॉर्मली उनकी नहीं है, उस सरप्लस में जो नॉर्मली उनका नहीं है, चाहे वो पार्टिसिपेट फुल्ली कर रहे हो या अप टू सम एक्सटेंड कर रहे हो। ये तो मैंने लीगली बताया आपको कि क्या बोल रहे हैं ये कि जो 43 एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया है वो फिक्स उनका डिविडेंड तो है, इन एडिशन टू दैट डिविडेंड उन्हें उस कैपिटल में भी पार्टिसिपेट करने का राइट है, उन्हें उस सरप्लस में भी पार्टिसिपेट करने का राइट है जो नॉर्मली उनका नहीं है। तो जैसे मैंने पार्टिसिपेटिंग शेयर्स में भी आपको बताया था क्या कि हमारा प्रॉफिट कितना आया था 90 लाख का, 90 लाख में से 10 लाख हमने किसको दे दिए थे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को, वो 10 लाख तो ये वाले हैं क्योंकि वो फिक्स है वो हर साल देना ही है जो 43 के अंदर बताया गया है। इन एडिशन टू 10 लाख हमने ध्यान आया ना आपको अभी हमने पढ़ा था कि 90 लाख में से पहले 10 लाख का हमने प्रेफरेंस शेयर्स का दिया था, फिर 75 लाख किसको दिया था इक्विटी शेयर्स को, फिर हमारे पास कितना बच गया था 15 लाख। तो ये बोल रहे हैं ये 10 लाख तो उनको देना ही है आपको, बट उसके अलावा एडिशनली ये जो 15 लाख बचा है इसमें वो क्या कर रहे हैं पार्टिसिपेट, जबकि 15 लाख एक्चुअली किसका होता है इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, नॉर्मली ये किसका होता है इक्विटी का, बट क्योंकि उन्हें राइट दे दिया आपने कि आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपने उन्हें राइट नहीं दिया होता तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यार ये तो इक्विटी की चीज ले रहे हैं हां, बट क्योंकि आपने राइट दिया इसलिए ले रहे ना हां, तो क्या इन्हें इक्विटी मान ले? नहीं,
भले इनकी हरकत किसके जैसी है, इक्विटी जैसी, तो क्या इक्विटी मान ले? नहीं, हमें इन्हें मानना क्या है, प्रेफरेंस, इसलिए वर्ड दिया डीम्ड। देख प्रेफरेंस जैसे नहीं रहे बट फिर भी इन्हें क्या मान लेंगे, प्रेफरेंस, भले ये उस सरप्लस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो नॉर्मली किसका होता है, इक्विटी का होता है। डिविडेंड वाला पॉइंट समझ में आया? अगर आपको पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग समझ में आया तो एक सेकंड में समझ में आ जाएगा, है ना। एंड इसी तरह से सेकंड दिया है कैपिटल का, कि हमने बोला था कि वाइंडिंग अप के अंदर सारी असेट्स बेचकर लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे। पहले जैसे हमने बोला था कि हमें कितना पैसा मिला था, 7 करोड़ मिले थे, 7 करोड़ में से हमने पहले 1 करोड़ किसका दिया, प्रेफरेंस का, फिर 5 करोड़ किसके दिए, इक्विटी के, फिर कितना बच गया, 1 करोड़। वो 1 करोड़ में हम प्रेफरेंस को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, जबकि एक्चुअल ऑनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। एक्चुअल ऑनर क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर है तो पूरा पैसा भी किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का, फिर भी हम उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स को राइट दे रहे हैं उसमें। तो यही बोला है, क्या बोला है, इन एडिशन टू, जैसे ऊपर था ना सेम वर्ड है, इन एडिशन टू अमाउंट जो 43(2)(b) में, 43(2)(b) के अंदर बताया है, ये कौन सा अमाउंट हो गया, कैपिटल का अमाउंट, जो कब देते हैं उन्हें, वाइंडिंग अप के टाइम देते हैं। कितना, ये 7 करोड़ में से 1 करोड़, बोले ये लेने का राइट तो है उसको, ये 7 करोड़ में से 1 करोड़ ये लेने का राइट तो है उसको, इन एडिशन टू ये 1 करोड़ लिखा है ना, इन एडिशन टू ये 1 करोड़ उन्हें राइट है पार्टिसिपेट करने का उस कैपिटल में जो उनके लिए इंटाइटल नहीं है, जिस पर एक्चुअली उनका राइट नहीं है, बट फिर भी हम उन्हें राइट दे रहे हैं उस सरप्लस अमाउंट में जो इंटायर कैपिटल का पेमेंट करने के बाद बचा है, है ना। तो ये 7 करोड़ बचे थे, इंटायर कैपिटल मतलब 1 करोड़ प्रेफरेंस के, 5 करोड़ इक्विटी के, ये 6 करोड़ पे करने के बाद भी हमारे पास कितना बचा, 1 करोड़। ये 1 करोड़ सरप्लस है, ये 1 करोड़ नॉर्मली किसका होता है, इक्विटी का, बट इसमें फिर भी प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या वो इक्विटी बन जाएगा, नहीं, वो क्या माना जाएगा, प्रेफरेंस। ये 2 पॉइंट है, ये खत्म डीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स का। एक बार रिकैप करा देता हूं कि क्या बोला है, कि भाई नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो उनका फिक्स डिविडेंड है वो तो हम दे रहे हैं, उनके अलावा अगर उन्हें पार्टिसिपेट करने का राइट है उस कैपिटल में जो उनकी नहीं है, चाहे फुल्ली या कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक, तो भी वो क्या कहलाएंगे, प्रेफरेंस। इसी तरह से कैपिटल वाइंडिंग अप में उनका जो पूरा अमाउंट है वो उन्हें लेने का राइट है, बट उसके अलावा अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस कैपिटल में जो उनकी नहीं है, और जो सरप्लस बचा है किसके बाद, इंटायर कैपिटल, इंटायर मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को पेमेंट करने के बाद जो सरप्लस बचा है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो भी वो क्या कहलाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स ही कहलाएंगे। ये चीज आगे समझ में, एंड इसके साथ ध्यान रखना है सेक्शन 43 एंड सेक्शन 47, सेक्शन 43 एंड सेक्शन 47 प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, अगर उनके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में ऐसा लिखा है तो। सेक्शन 43 एंड सेक्शन 47 प्राइवेट कंपनी एंड आईएफएससी पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, अगर उनके मेमोरेंडम आर्टिकल में ऐसा लिखा है।